नमस्कार, इन कोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं हरियाणा पर यह विशेष कार्यक्रम। आज मंगलवार, जी हां, आज मंगलवार दिनांक 12 मार्च हरियाणा की राजनीति के अंदर सुबह सुबह एक भूचाल आ गया। खबर आई सुबह सुबह ही कि हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो अलायंस है वो टूटने जा रहा है और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो एक साथ इस्तीफा दे रहा है, यानी कि पूरी कैबिनेट हरियाणा की। और यहीं तक बात नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी कि मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा देने जा रहे हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ हुआ, कि हरियाणा के चंडीगढ़ से लेकर के सभी जिलों से लेकर के और दिल्ली तक पूरा का पूरा राजनीतिक जो समीकरण था, जो खेमा है, राजनीतिक गलियां जितनी भी हैं उन सब में हलचल पैदा हुई, भागदौड़ हुई। और यहां तक कि अपने अपने विधायकों को संभालने की भी तैयारी की गई। कांग्रेस ने तुरंत अपने सभी विधायकों को दिल्ली कूच करने का निर्देश दे दिया, तो वहीं जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, विधायक बने, उन सभी को चंडीगढ़ तलब कर लिया गया। अब यहां से घटनाक्रम शुरू होता है और इसके पीछे के मायने क्या हैं? अचानक एक दिन पहले जहां 11 तारीख को गुरुग्राम के अंदर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर इतने कसीदे पढ़ रहे थे और इतनी बातें कर रहे थे, उसके तुरंत अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी हरियाणा की कैबिनेट बदल दी गई? और क्या ये केवल मात्र जेजेपी से पीछा छुड़ाने का एक रास्ता मात्र तलाश किया गया, या फिर इसके पीछे और भी बहुत सारे समीकरण हैं? और एन उस वक्त पर जब देश के अंदर में कभी भी अगले एक से दो दिन के अंदर कभी भी जो लोकसभा के चुनाव हैं उनकी तिथियां घोषित हो जाएंगी, देश में आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे मौके के ऊपर पे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का यह चौंकाने वाला जो निर्णय है यह सामने आया। यूं तो हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले लेने वाली भाजपा, इसने एक नया यहां पर चौंकाने वाला जो काम किया है उससे सभी को हैरत में डाल दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आया है और साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में भी भूचाल आया है। जजपा के सात विधायक भाजपा और जजपा की जो गांठें खुल गई हैं उसके बावजूद भाजपा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं और उन सात विधायकों ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। अब ये तो बीच में छट छट कर पिछले एक साल से लगातार घटनाक्रम सामने आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कभी भी अलायंस जो है वो टूट सकता है, बस सभी को इंतजार था कि वो घड़ी कौन सी होगी। बहुत बार ऐसा समझ में आने लगा था कि अब बस भाजपा और जजपा का जो गठबंधन है वो टूटने जा रहा है, लेकिन जो समर्थन था वो संभलता चला गया और संभलते आज आखिर वो दिन आ गया जहां पर जेजेपी का और भाजपा का जो गठबंधन है वो औपचारिक तौर के ऊपर पे समाप्त हो गया। अब इसके किसको कितने फायदे मिलेंगे, किसको कितने नुकसान होंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन जो इस समय का जो घटनाक्रम है वो क्या कहता है ये बड़ी सोचने वाली बात है।
देश हरियाणा का 25वां मुख्यमंत्री बदल गया, उसका चेहरा बदल गया। अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो जिन्होंने शपथ लेनी है, उनका नाम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी फिलहाल हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं और इन्हें पिछले साल अक्टूबर में ही अध्यक्ष बनाया गया था और अब पूरे विधायक दल ने उन्हें नेता के तौर के ऊपर पे स्वीकार कर लिया है। नाटकीय घटनाक्रम में विधायक दल की बैठक में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इस तरह से वो अब 25वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसा करके पार्टी ने ओबीसी कार्ड को यहां पर खेला है। ओबीसी के प्रदेश में 49% मतदाता हैं, बड़ी बात है, 49%, पूरी गेम चेंज यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है। विशेष बात यह है कि मंत्रिमंडल में अनेक नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इससे पहले सैनी को भाजपा ने पिछले साल 2023 में अक्टूबर में अचानक ही, वो भी रातों रात फैसला हुआ था और नायब सिंह सैनी जी को भाजपा हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया गया था। नायब सिंह सैनी वर्तमान में कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर करीब करीब 9.25 साल हो गए हैं देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नायब सिंह सैनी को यह जिम्मेदारी देकर जातीय संतुलन को साधने की पूरी पूरी कोशिश की है। 2019 के चुनाव के बाद भाजपा ने जजपा के साथ गठबंधन किया था और उस समय पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री तो वहीं अनिल विज को गृह मंत्री बना। इसी तरह से अगर जाट समुदाय की बात की जाए तो जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर लिया। चौधरी रणजीत सिंह को बिजली एवं जेल मंत्री बनाया। जेपी दलाल को कृषि मंत्री तो वहीं देवेंद्र बदली को पंचायत एवं विकास मंत्री का ओहदा दिया गया। महिला व विकास मंत्री भी देवेंद्र बबली को ही, ये पोर्टफोलियो भी देवेंद्र बदली के पास ही था। इसी प्रकार से वैश्य समुदाय से अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गुज्जर समुदाय से कंवरपाल गुज्जर को शिक्षा मंत्री बनाया गया। अहीर समुदाय से ओम प्रकाश यादव को सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। ब्राह्मण समुदाय से मूलचंद शर्मा को परिवहन मंत्री बनाया गया। तो रामदसिया समुदाय से संदीप सिंह को भी यहां पर लाया गया और कैबिनेट में मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री उनको बनाया गया। वहीं अनुसूचित जाति समुदाय से डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता एवं अनूप धानक को श्रम राज्य मंत्री का ओहदा दिया गया। गौरतलब है कि अभी बस 2-4 दिनों के अंदर में लोकसभा के चुनावों की तारीख तय हो जाएगी और मई के अंदर में आपके चुनाव, जून के अंदर, मई और जून में आपके नतीजे, नई देश के अंदर में सरकार बन जाएगी और अक्टूबर के बात करें तो अक्टूबर इसी साल 2024 के अक्टूबर के अंदर में आपका विधानसभा का चुनाव। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को यहां पर साधने की कोशिश की गई है कि एक ऐसी कैबिनेट हरियाणा को दे दी जाए जो इन सारे जातीय समीकरणों को भेद सके। तो ऐसा ही कुछ मंत्रिमंडल इस समय पर बनने जा रहा है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले थे। 2014 के चुनाव के दौरान प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नेतृत्व में ही भाजपा ने संसदीय एवं विधानसभा का चुनाव लड़ा था और संसदीय चुनाव में भाजपा ने 7 और विधानसभा चुनावों में 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2014 के संसदीय और विधानसभा चुनाव जो भाजपा के सुभाष बुराला उस समय पर अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और संसदीय चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जबकि विधानसभा चुनावों में 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई। 20 जुलाई 2020 को सुभाष बराला की जगह ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी कि हरियाणा इकाई का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया।
सियासी विशेषज्ञों का यह मानना है कि चुनावों से कुछ समय पहले शीर्ष नेतृत्व की ओर से किया गया यह बदलाव काफी मायने रखता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी के लिए अब चुनावों से पहले संगठन को विस्तार देना, पन्ना प्रमुखों के लक्ष्य को प्राप्त करना, शीर्ष नेतृत्व से समन्वय कर चुनाव प्रबंधन करवाना, टिकट आवंटन से लेकर के संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, और ये किसी भी चुनौती से कम नहीं आंका जा सकता। अब तो भाजपा ने एक बार फिर से ये सुनिश्चित किया कि उसका जो चौंकाने का फैसले लेकर के और जिस तरीके से वो अस्पृद्ध कर देती है पूरी जनता को, एक बार फिर से वैसा ही एक यहां पर उदाहरण जो है वो सामने सभी के आया है। हालांकि इस बात के कयास पहले से थे कि मुख्यमंत्री हरियाणा के बदले जा सकते हैं, और उसी दिशा पे लगभग पिछले शायद हो सकता है कि 6 महीने से एक जो कार्रवाई थी उसी दिशा के अंदर बढ़ भी रही थी, और एक रास्ता भी तलाश किया जा रहा था कि किस तरीके से जेजेपी का जो ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और चुनावों के अंदर में जेजेपी के साथ में चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी को महंगा साबित हो सकता था, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि लगातार दुष्यंत चौटाला की जो छवि है, उसकी पार्टी की जो छवि है वो लगातार नीचे जा रही थी। ये सभी जान रहे थे कि जाट का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को शायद नहीं आएगा, और इसीलिए इसको देखते हुए कि अगर अब जेजेपी से अलग हो जाया जाता है तो जाट वोट जो है वो वहां पर हरियाणा के अंदर में 3 हिस्सों के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज की तारीख के अंदर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर, और कांग्रेस पार्टी यानी कि जाट की पार्टी, अब इसी नजरिए से उसको देखा जा रहा है। गैर जाट और जाट की जो राजनीति है हरियाणा के अंदर में इस समय पर हावी है, और इसका नतीजा हमने पिछले 2019 के चुनावों में भी देखा था, और अभी भी इसका एक नतीजा हम यहाँ पर देखेंगे, और इसका इफेक्ट जरूर निश्चित तौर के ऊपर दिखाई भी देगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास था कि भाई जाट का तो वोट आना नहीं है, तो जो गैर जाट वोट है उसी को ही साधने की पूरी पूरी कोशिश की जाए, और उसी को यहाँ पर साधने की कोशिश भी की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जेजेपी के साथ ये चुनाव लड़ती तो जो जाट का वोट है वो तो आना ही नहीं था। अब कम से कम भाई जाट का वोट वहां पर जाकर के हो सकता है कि डिवाइड हो जाए, एक काम ये, क्योंकि ये सफलता की तरफ का एक रास्ता हो सकता है। दूसरा कयास जो लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो वो सुनिश्चित कर सकती है कि 10 की 10 सीटें उसके पास में आ जाए। अगर वो गठबंधन के साथ में जाती जेजेपी के तो हो सकता था कि 1-2 सीटें उसको लूज करनी पड़ती। हालांकि कुछ आंकलन ऐसे भी आ रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला सीटों को लेकर के जिद कर रहे थे, जिद के लिए तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जेजेपी भी ये जान रही है, इस सारे समीकरण को वो पहचान भी रही है, जान भी रही है। अब जेजेपी के सामने ये संकट खड़ा हो गया है अपने अस्तित्व को बचाने का, क्योंकि जो छवि इस समय पर जेजेपी की बनी है उसमें क्या विधानसभा चुनावों के दौरान भी जेजेपी ने जो पिछली बार 2019 के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, क्या वो परफॉर्मेंस इस बार भी दिखा पाएगी, ये एक बड़ी बात रहेगी। और मेंबर पार्लियामेंटेरियन के जो चुनाव हैं अब उसमें जेजेपी के पास में क्या रास्ता बचता है, क्या जेजेपी यहां जो बीजेपी से झटका उसको मिला है उसके बाद क्या उसके पास जो रास्ता है वो कांग्रेस की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ का जाता है, क्या वहां पर जाकर के अलायंस के अंदर में वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इंडी गठबंधन का जेजेपी हिस्सा हो सकती है, ये एक बड़ी बात होगी। अब वहां पर भी दुष्यंत चौटाला के सामने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और ये कोई आसान रास्ता नहीं होगा इंडी अलायंस की तरफ जाना, और अकेले चुनावों की तरफ बढ़ना जेजेपी के लिए घातक तो है ही है। यहां पर पार्टी का अस्तित्व बचाने की भी अब बात जो है वो सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि 7 विधायक जो जेजेपी के साथ में थे, जेजेपी की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी को जब समर्थन दे रहे हैं तो
तो आप समझ सकते हैं कि इस समय पर जेजेपी की हालत क्या हो रही है और क्या हो गई है। चूंकि 7 विधायकों का छिटक जाना 10 में से, तो मात्र 3 विधायक, और 3 विधायकों के साथ में जेजेपी अब आगे क्या काम करेगी। चूंकि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी आई, विरोध के अंदर में इन्होंने चुनाव लड़ा था, और अब विरोध में चुनाव लड़ने के बाद में और 2019 में जब इन्होंने अलायंस कर लिया, तो एक जाट का जो तबका है वो काफी नाराज हुआ था दुष्यंत चौटाला से और दुष्यंत चौटाला परिवार से। अब इन चुनावों के अंदर में जो जेजेपी के साथ में वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं INLD उस वोट बैंक को भेदने में भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है, और आम आदमी पार्टी ने भी उसमें सेंध लगाई है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जेजेपी का भविष्य क्या रहता है, क्योंकि जेजेपी 2024 के चुनावों में और खास तौर के ऊपर पे मेंबर पार्लियामेंटेरियन के चुनावों में शायद उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए जितनी उससे उम्मीद लगाई जा रही थी। और अब गठबंधन टूटने के बाद अस्तित्व की लड़ाई जेजेपी के सामने है, और वो अस्तित्व की लड़ाई को जीत पाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो क्या इंडी अलायंस गठबंधन को मजबूत करने के लिए उसके साथ पहुंचेगी, ये अब दिलचस्प रहेगा। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इनकोड, क्योंकि इसी तरीके का विश्लेषण आपके समक्ष और बेहतरीन तरीके से हम लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।